भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। मैं आज आप लोगों को जेम पोर्टल में बायर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा जो बायर के लिए यदि आपके पास कॉर्पोरेट आईडी नहीं है तो भी आप कैसे यूज कर सकते हैं। यदि कॉर्पोरेट आईडी है तो कॉर्पोरेट आईडी से भी कैसे आप उसका आईडी क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट कॉर्पोरेट आईडी का भी कैसे तरीके से आपको आईडी क्रिएट करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगता है आपको एक कॉर्पोरेट आईडी या एक फॉर्म दूंगा, वो फॉर्म आपको भेजना है। नीचे मेल आईडी उसके डिटेल्स भी मैं आपको आगे बता दूंगा पोर्टल पे और वो फॉर्म्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको एक आधार कार्ड का नंबर लगेगा और आधार कार्ड के साथ मोबाइल का नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सभी डिटेल्स लगेंगे और आपको कौन से डिपार्टमेंट का रजिस्टर करना है वो डिपार्टमेंट के पूरे डिटेल्स उसके नीचे कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे आपका ग्राम पंचायत है ग्राम को कौन से एरिया का है और कौन से एरिया का ग्राम पंचायत, ये सभी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कैसे तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं और सेलर और बायर दो यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला बायर का रजिस्ट्रेशन देखेंगे। यदि जेम क्या है इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैंने इसके अलग से वीडियो बनाया है जिसको आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे इसके लिए इसके जो रिव्यू है देखिए यहाँ पे बता दिया, गवर्नमेंट ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से लिंक होगा, ये सभी डिटेल्स आपको लगेगा। तो मैं इसका रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक बेसिकली रिव्यूज आ जाएंगे जो जिसके टर्म्स कंडीशन है, ये सब 40 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप इसको रीड कर सकते हैं 111 जहाँ पे इसके सभी डिटेल्स आपको दिया हुआ है जेम्स के बारे में। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर मेरा आधार नंबर आ जाता है या फिर वर्चुअल आईडी आधार कार्ड, दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार नंबर डालता हूँ और जो नंबर मोबाइल से लिंक है वो मोबाइल नंबर। और इसको वेरीफाई आधार कर देंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे इनपुट नीचे डालना है। इसको हम लोग ई केवाईसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी आया, आपके नीचे मोबाइल नंबर का 4 डिजिट नंबर आ गया जो कि इस नंबर पे आएगा, इसको वेरीफाई करने का। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपको बाकी के फॉर्म्स नीचे डिटेल्स आ जाएगा जो बाकी का और क्या क्या जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल आईडी वगैरह, वो सब डिटेल्स अभी आपको नीचे फिल करने को मिलेगा। यहाँ पे एक आपको पॉपअप आया, यू आधार एंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाइज सक्सेसफुली, जो आपका सक्सेसफुल हो गया। यदि आपके आधार के अकॉर्डिंगली नहीं है तो आप आधार में जाके उसको चेंज करवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ यू वांट टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट द सेम डन विद आधार। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप कौन से डिपार्टमेंट का, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी तरीके के जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है सब टाइप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में चूज कर लिया और स्टेट गवर्नमेंट के बाद स्टेट कौन से स्टेट का लेने का। यदि आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करते हैं तो यहाँ पे मिनिस्ट्री आ गया, तो कौन से मिनिस्ट्री का आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली मैं यहाँ पे जेडपी का दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको जेडपी में मुझे स्टेट गवर्नमेंट चूज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दूसरा है, देखिए एक ऑप्शन है स्टेट लोकल बॉडीज जहाँ पे आपको जेडपी के डिटेल्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे उसके बाद उसका स्टेट चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र, और यहाँ पे उसके नीचे जितने स्टेट बॉडीज है जहाँ पे ग्राम पंचायत वगैरह सभी आते हैं ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे 1x1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक आपके पास आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट मंत्रालय महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मैं इसको चूज कर लूंगा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, और इसके बाद यहाँ पे सभी जिला परिषद के डिटेल्स आ गए। देखिए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अहमदनगर, नासिक जिला परिषद, जितने भी जिला परिषद है उसके सबके डिटेल्स आपको मिल गया। यहाँ पे आपका आप जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया का आप यहाँ पे जिला परिषद का नाम चूज करेंगे,
ये हर एक स्टेट या फिर जितने स्टेट है सबके अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से आपको आपका डिटेल्स चूज करना है वन बाय वन। आप चाहो तो अलग अलग चेंज करके अपने स्टेट के डिटेल्स के और अपने अकॉर्डिंगली वो डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पंचायत समिति डोंड का आपने हमने ले लिया, और ऑफिस जोन आपके ऑफिस कौन से जोन में, तो आप मेरा ये पंचायत समिति है तो मैं यहाँ पे पंचायत समिति लिख दे रहा हूँ। ये ऑफिस जोन है या ऑफिस का नाम जो भी है आपका ऑफिस पंचायत समिति या ग्राम पंचायत डोंड आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे डोंड लिख दिया जो ऑफिस का जोन नेम डोंड है। अब ये ऑफिशियल मेल आईडी, आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी होना चाहिए .gov या फिर .nic। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डाला, यदि आपके पास नहीं है मेल आईडी तो आपको यहाँ पे एक एक्सेल का फाइल वो क्लिक हेयर से डाउनलोड करना है और ये आपको सेंड करना है। देखिए मैं एक्सेल का फाइल पहले खोल रहा हूँ। ये एक्सेल का फाइल में जितने भी लोग हैं उस डिपार्टमेंट के, जितने लोगों का आईडी क्रिएट करना है उतने लोगों का आपको सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन ये सब डाल के आपको करना है। यहाँ पे क्या होगा, इट मे बी नोटेड ट्रांजेक्शन जे में एनी ऑफिशियल सेल हैव एट लीस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपका जो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कम से कम करना पड़ेगा एक कंसाइन एंड एक पेयर जो अकाउंट्स होते हैं वो सबके आपको यहाँ पे जेम पे उनका रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो तीन आईडी, आप एक साथ मल्टीपल आईडी बना सकते हैं और वहाँ पे उसके डिटेल्स में आपको नीचे उसके डिटेल्स डाले हुए हैं, जो मेल आईडी कौन सा भेजना है उस मेल आईडी पे आपको भेज देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेल आईडी नहीं लेगा, ऑफिशियल मेल आईडी @gmail, याहू, ये सब कोई भी मेल आईडी नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये .nic या .gov, जब तक मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा report@, या फिर जो भी ग्राम पंचायत @nic.in या gov.in, जब तक नहीं लिखूंगा तब तक ये मेल आईडी हमारा नहीं लेगा। और इसको इसको वेरीफाई करना है, फिर आपका यूजर आईडी क्रिएट करना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है और इसको क्रिएट अकाउंट कर देने का। यदि आपके पास नहीं है तो पहले आप वो फॉर्म को, उनको नीचे मेल आईडी उस फॉर्म पे लिखा हुआ है उस पर भेज दीजिए, बाद में आपको उसके कंफर्मेशन आने के बाद वही मेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देने का। तो आपका यहाँ पे फिर जीमेल भी आपका लेना वर्क करना चालू कर देगा। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।